याद रखना तुम, जिस दिन से तुम प्रतिदिन एक घड़ी आधी घड़ी एक पल सत्संग सुनना प्रारंभ कर दोगे, उसी दिन से तुम्हारी बुद्धि पर बार बार प्रहार होने लगेगा। आप कहोगे गुरुजी रोज तो कथा होती नहीं, आप तो 7 दिन में चले जाओगे, अब रोज सत्संग कहां से सुने। अरे भैया ओ कक्का, अपनो मोबी आल कह के लाने हैं, उसका सदुपयोग करो। दिन भर तुम वो पबजी अबजी खेल में पबजी सब्जी बनाओ रात है, और ये मोबाइल ना भैया ना हम कहा बताएं, हमें मोबाइल बनावे बारो मिल जाए ना तो हम की ठटरी। ऐसो विचित्र मोबाइल बनाओ है कि लड़का बारन के स्नान घर में भी पहुंच रहो। हाँ, नहाने जाएंगे बाथरूम मोबाइल ले जाएंगे, विचित्र हो ही गया मोबाइल। सो के उठेंगे, पहले लोग सोकर उठते थे तो भूमि को प्रणाम करते थे, माता पिता से सीताराम करते थे, दोनों हाथों को देखते थे। आजकल सो के उठते हैं तो तकिया के नीचे पहले ही मोबी आल देखत है। को रो रहो और जे यही में लगे पबजी, काऊ की चोरी हो गई और जे वो खेल खेल रहा है ढिसुम ढुना, क्या बोलते उसको बंदूक वाला खेल फायर थ्री फायर थ्री नाम भी अद्भुत है फ्री फायर। साधु हम आपको आपके मोबाइल की बुराई नहीं कर रहे, आपकी नहीं कर रहे, पर हम निवेदन करेंगे जितने भी बच्चे बैठे हैं हो सके ना अपने मोबाइल का रोज 1 घंटा सदुपयोग किया करो, अपने मोबाइल डाटा का सदुपयोग किया करो, संतों की वाणी सुनकर के जीवन जीने की कला सीखा करो। गुरु की वाणी सुनकर जीवन जीने की कला सीखा करो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना।